या बसपा सुप्रीमो मायावती ने माननीय श्री काशीराम साहब के सपने को तोड़ दिया भाई भतीजे की राजनीति करके। परिवारवादी पार्टियों की लिस्ट में बसपा शामिल। 23 जून 2019 आज लखनऊ में हुई बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक में बड़े बदलाव किए गए हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने अपने प्रिय भाई श्री आनंद कुमार को दोबारा से पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। वहीं आकाश आनंद के बड़े पुत्र और अपने भतीजे श्री आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के नए पद की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही कुछ आंशिक परिवर्तनों के तहत दो राष्ट्रीय समन्वयकों के पद बनाए हैं, जिनमें मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रामजी गौतम को अब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के नए पद पर नियुक्त किया है। माना जा रहा है असली और ताकतवर कोऑर्डिनेटर अब आकाश आनंद ही रहेंगे। इसी के साथ अब तक परिवारवाद के आरोप से दूर रही बसपा परिवारवादी पार्टियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। विदित है परिवारवादी पार्टियों की राजनीति का पटाक्षेप करते हुए मोदी के नेतृत्व में भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण श्री मोदी जी द्वारा माननीय काशीराम जी द्वारा अपनाए गए बहुजन बनाओ और परिवारवाद मिटाओ के फॉर्मूले को अपनाना है। अब परिवारवादी पार्टियों को राजनीतिक गठबंधन बनाकर भाजपा की उपरोक्त राजनीतिक ताकत का मुकाबला करने के लिए आगे आगे आकर अपनी परिवारवादी छवि का अंत करना होगा। दिखावटी लोकतांत्रिक राजनीति से जनता का विश्वास अब हट चुका है। आंतरिक लोकतंत्र को बहाल करना अब सभी राजनीतिक पार्टियों की जरूरत बन जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।